हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं लिब्रा ऑफिस में राइटर के बारे में। राइटर, जी हां दोस्तों, राइटर एक एमएस वर्ड जैसा सॉफ्टवेयर है जो कि लिब्रा ऑफिस में यूज होता है। और आपको ये पता होगा कि लिब्रा ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। और आइए इसको देखते हैं कि इसमें हम वर्ड आर्ट का यूज कैसे करेंगे। जैसे आप एमएस वर्ड यूज करते हो ना, तो वहां वर्ड आर्ट होता है और यहाँ होता है फॉन्ट वर्क। ठीक है, अगर आपको वर्ड आर्ट जैसी चीजें इंसर्ट करानी है लिब्रा ऑफिस में, राइटर में, तो कैसे इसको करेंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने लिब्रा ऑफिस इंस्टॉल कर रखा है, 6.3 वर्जन मेरे पास है। अब यहाँ पर देखिए, ये ओपन हो चुका है। साइड में देख सकते हैं आप, वेरी लेफ्ट साइड, कि यहाँ पर राइटर, डॉक्यूमेंट, कैल्क, स्प्रेडशीट, इंप्रेस प्रेजेंटेशन, ड्रॉइंग, मैथ फॉर्मूला, बेस डेटाबेस, ये सारी चीजें यहाँ पे आ रही है। तो हमें अभी क्या करना है, हमें यहाँ पे राइटर की बात करनी है। तो यहाँ पे हम राइटर ले लेते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो लिब्रा राइटर ओपन हो जाएगा। अब ये देख सकते हैं, जैसा कि आप एमएस वर्ड में कर पाते हैं, कुछ वैसा ही पेज यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, सबसे ऊपर टाइटल बार है हमारा, ये क्लोज बटन है, ये रिस्टोर बटन है, और ये मिनिमाइज बटन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कैसे हम वर्ड आर्ट इसमें इंसर्ट करा सकते हैं। यहां पर जो वर्ड आर्ट यूज होता है उसको हम बोलते हैं फॉन्ट वर्क। ठीक है, तो चलिए ये देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, व्यू पे क्लिक करना है। ये जो व्यू मेन्यू दिखाई दे रहा है आपको, यहां पर क्लिक कर दीजिए। और क्लिक करने के बाद आ जाइए टूल बार्स पर। जैसे ही टूल बार पर आएंगे आप, तो यहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। आपको इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज नहीं करना है। ठीक है, आपको कहां आना है, सीधे आना है फॉन्ट वर्क पर। यहां पे देख सकते हैं फॉन्ट वर्क लिखा हुआ है, आपको इसी पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये देख सकते हैं, ये नीचे जो है F एक ऑप्शन शो होगा जिसे फॉन्ट वर्क कहते हैं, इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो फॉन्ट वर्क वाली गैलरी खुल जाएगी। अब आपको मैं दिखाता हूं, इसमें बहुत सारे फॉन्ट वर्क दिए हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये देखिए, अलग अलग तरह के स्टाइल के बहुत सारे फॉन्ट वर्क इसमें दिए हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, जैसा कि वर्ड आर्ट में दिया होता है वैसा ही इसमें भी दिया हुआ है। मान लीजिए कि इस बार मैं ये वाला लेता हूं, ठीक है, ओके प्रेस करता हूं, तो यहाँ पे ये फॉन्ट वर्क लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अब यहां से आप क्या करिए, इस पर डबल क्लिक कीजिए। तो जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो ये फॉन्ट वर्क ऐसे आ जाएगा। अब आप इसको एक एक करके बैक स्पेस से इरेज कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखता हूं अपना नाम, जैसे मैंने नाम लिख दिया SURJ सूरज। जैसे ही बाहर क्लिक करेंगे तो ये सूरज बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इसको। अब इसको छोटा बड़ा करना हो तो यहां से ड्रैग एंड उसको ड्रैग कर सकते हैं छोटा बड़ा करने के लिए। यहां से इसको मैंने ड्रैग करा और छोटा कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही ये फोर हैंडल वाला एरो बनता है, आप इसको उठा करके बीच में ले जा सकते हैं। ठीक है, ये सारी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी किसमें, लिब्रा राइटर में। इसके अलावा कैल्क भी यूज होता है इसमें, और इंप्रेस में भी ये सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। हमने ये ग्रेडियंट लिया हुआ है, ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, ये देखिए, ये सारे ग्रेडियंट कलर दिए हुए हैं यहाँ पे। जैसे इसको मैं करूंगा तो ये इस तरह से शो होने लगेगा। ठीक है, अगर मैं कोई और चूज करना चाहता हूं तो ये ऐसे शो होगा। ठीक है, इसमें जो भी कलर आप लेना चाहते हैं यहां से ले सकते हैं। ठीक है, और यहां से अपने मर्जी के मुताबिक भी आउटलाइन कर सकते हैं। यहां से देखिए, यहां से अगर अभी रेड आउटलाइन है ये, अगर मैं ग्रीन कर देता हूं तो ये ग्रीन आउटलाइन शो होने लगेगा। ठीक है, इसकी मोटाई भी आप बढ़ा सकते हैं। यहां से देख सकते हैं ये आउटलाइन इसकी बढ़ रही है। ठीक है, इस तरह से करके हम आउटलाइन को भी बढ़ा सकते हैं इसमें। उम्मीद कर रहा हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आ रही होगी। अब जैसे मान लीजिए कि और इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, रेड करना चाहते हैं, तो यहां से रेड कर लीजिए। आउटलाइन को ज्यादा और बढ़ाना चाहते हैं तो यहां से आप बढ़ा सकते हैं। देखिए, ये आउटलाइन बढ़ रही है। ठीक है, आप घटाना चाहते हैं तो यहां से घटा लीजिए। ओके, नो प्रॉब्लम। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगली वीडियो इंप्रेस के ऊपर लेके आऊंगा और इसमें क्लोन के बारे में बताऊंगा आपको कि क्लोन क्या होता है। ठीक है, आपने एमएस वर्ड में पढ़ा होगा फॉर्मेट पेंटर, तो क्लोन का काम ठीक वैसा ही होता है। चलिए अगले वीडियो में इसका डिस्कशन करेंगे। फिलहाल के लिए सेफ रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।